hello friends i am prithviraj singh and i warmly welcome you to my channel site tutorial today we will read a very interesting topic in physics and this is especially for the interest of for the students who want to crack the entrance of chs class 9 of 2021 and one of the topic of physics is force and pressure and it is very important and the score gets boost up in this section सो गेट रेडी टू गेट स्टार्टेड तो चलिए बिना वक्त को ज़ाया किए हुए हम अपने इस सेशन को शुरू करने जा रहे हैं और शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि हम ऐसे ही और भी वीडियोस लाते रहेंगे और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा तो चलिए अब हम अपने सेशन को शुरू करते हैं सबसे पहले बात आती है वॉट इज फोर्स एनी पुश एंड पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स अगर मैंने आपको धक्का दिया या फिर मैंने आपको अपनी तरफ खींचा या फिर कुछ भी किया डिस्टर्ब किया आपको ओके okay? अपने पुश या फिर पुल से तो जो पुश या पुल है उसे फोर्स कहते हैं तो उसकी डिफिनिशन लिख लीजिए फोर्स इज द पुश ऑन पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट ओके okay गाइस ये हो गया हमारा पहला व्हाट इज फोर्स अब इफेक्ट्स ऑफ फोर्स पे डिस्कशन करते हैं कि अगर फोर्स तो लगा अब फोर्स लगा तो ऑब्जेक्ट में कुछ तो डिस्टरबेंस आएगी अब क्या क्या डिस्टरबेंस आ सकती है पॉसिबिलिटीज क्या क्या है तो चलिए आइए हम देखते हैं पहला इफेक्ट हो सकता है इट कैन हेयर आई एम डिनोटिंग फोर्स बाय इट ओके आई एम राइटिंग हेयर इट इंस्टीड ऑफ फोर्स इट इज sorry it can it can stop a moving object moving object second effect is it can accelerate a moving object Object. Third one is it can make an object change its state and fourth it can. change the shape and size fifth it can slow down a moving object ये मैंने यहां क्या लिखा है फर्स्ट इफेक्ट है अगर आप चल रहे हैं या फिर कुछ भी चल रहा है जैसे फुटबॉल आपके पास आ रही है आपको उसे रिसीव करना है तो आप उसे पैर लगाए और फुटबॉल रिसीव हो गया मतलब फुटबॉल रेस्ट में आ गया इट कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट सेकेंड है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को वो पहले से मूव कर रहा है बेचारा लेकिन आपने आपको बदमाशी सूझी आपने उसे जा करके और धक्का दे दिया तो बेचारा क्या करेगा जैसे कोई साइकिल चला रहा है कॉन्स्टेंट स्पीड से पीछे से जाके आपने धक्का दे दिया तो वो और स्पीड में चलाने लगेगा उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा यह वर्ड जो एक्सेरेट है इसका मतलब स्पीड बढ़ाना ओके okay? स्पीड बढ़ाना अब जो थर्ड इफेक्ट हो सकता है वो हो सकता है चेंज इट्स स्टेट व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट आई हैव रिटेन हियर स्टेट फॉर स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट दो तरह के स्टेट्स होते हैं अगर आप मूव कर रहे हैं तो स्टेट ऑफ मोशन अगर रेस्ट में है तो स्टेट ऑफ रेस्ट ओके तो इस वाले थर्ड केस में जो है अगर आप रेस्ट में हैं तो फोर्स आपको मूव भी करा सकता है और अगर आप मूव कर रहे हैं तो फोर्स आपको रेस्ट भी करा सकता है अब चौथा पॉइंट जो है हमारा इट कैन चेंज द शेप एंड साइज टेक अ रबर बैंड एंड स्ट्रेच इट ओके स्ट्रेच इट एंड देन लिव इट इट विल कम टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन विच मीन्स वी हैव अप्लाइड अ सर्टेन फोर्स और अ पार्टिकुलर फोर्स टू द रबर बैंड फॉर विच और बाय विच इट हैड चेंज इट सेप उसने अपनी सेप को चेंज किया साइज को चेंज किया फिर वो नॉर्मल आ गया ये बात अलग है लेकिन हमने उसे चेंज किया जैसे हम लोग आटा से रोटी बनाते हैं तो रोटी बनाते वक्त हम उसे गोल परफेक्ट रोटीज बनाते हैं तो उसी तरह से यहाँ भी वही बात हो रही है और पांचवा है इट कैन स्लो डाउन मूविंग ऑब्जेक्ट अगर कोई साइकिल चला रहा है आप पीछे से जा करके उससे पकड़ लेते हैं अगर वो ज्यादा स्पीड में होगा तो रुकने में टाइम लगेगा इसका मतलब आपने उससे स्लो कर दिया उसकी स्पीड को कम कर दिया दैट्स इट ओके तो इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस पे हमने डिस्कशन कर लिया है अब हम बात करते हैं व्हाट इज नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स तो उस पर बात करने के लिए हम लोग इसे वाइप कर देते हैं चलिए अब हम बात करेंगे व्हाट इज रिजल्टेंट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स ओके अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा वॉट इज नेट फोर्स तो मैं अभी इसको बताने वाला हूं चलिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं एग्जाम्पल क्या ले बॉक्स का एग्जाम्पल बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल होता है तो हम बॉक्स का एग्जाम्पल लेंगे तो मानिए यह है एक फ्लोर इस पर है ये बॉक्स ओके okay? ये रहे आप एकदम हड्डी सॉरी जस्ट किडिंग अब यहां पर जो है नेट फोर्स क्या होगा और कब अप्लाई किया जाएगा नेट फोर्स मतलब सारे एक्सटर्नल फोर्स इंटरनल फोर्स डायरेक्शन को सबको नज, मद्देनजर रखते हुए जो डिसीजन आप लेते हैं कि कितना मैग्नीट्यूड है उस फोर्स का और कौन से डायरेक्शन में है जैसे मैंने आपको धक्का दिया राइट के टर्ड्स में मतलब मैं एक साइकिल है ठीक है साइकिल है उस पर कोई ड्राइवर नहीं है ड्राइवर उतर करके हैंडल की तरफ से धक्का दे रहा है पीछे से मैं उसे धक्का दे रहा हूँ साइकिल को फाइव न्यूटन एक्चुअली मैं बता दूं अभी डिस्कशन बाद में करेंगे कि न्यूटन जो है वो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स होता है तो इसी में मापा जाता है मतलब फोर्स को तो पीछे से मैंने धक्का दिया फाइव न्यूटन से आगे की तरफ और आगे वाला जो ड्राइवर है उसने दस न्यूटन का फोर्स लगाया पीछे की तरफ तो इसका मतलब हुआ तो कहाँ मूव करेगा किसने ज्यादा दम लगाया सामने वाले ने तो साइकिल तो पीछे मूव करेगी तो यहाँ पे एट लास्ट कौन सा डायरेक्शन आया पीछे की तरफ ओके okay? तो यहाँ डायरेक्शन हुआ पीछे की तरफ और जो फोर्स वो लगाया उसको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि लगभग कितना फोर्स लग रहा है पांच तो मैंने ही लगाया था दस वो लगा रहा है तो बचा कितना पांच न्यूटन ही बच पाया अगर मैंने सात लगाया होता तो तीन ही बचता क्योंकि उसने दस लगाया था ठीक तो ऐसे करके हम नेट फोर्स निकालते हैं चलिए आइए यहां देखते हैं कि व्हाट इज नेट फोर्स पांच न्यूटन के फोर्स इधर धक्का दिया वही इस आदमी ने आपके फ्रेंड ने इसे टेन न्यूटन से इस साइड धक्का दिया इसने इधर दिया था तो यहां नेट नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स होगा होगा यहाँ न्यूटन टेन टोटल था हमने फाइव लगाया था इसलिए माइनस कर दिया अपोजिट डायरेक्शन के कारण मैंने आपको बताया है अभी कि क्यों और इसकी डायरेक्शन दोनों की अपोजिट थी और ज्यादा डायरेक्शन वाला फोर्स इधर लग रहा है तो एट लास्ट भी इधर ही लगेगा टुवार्ड्स लेफ्ट ओके हम ये समझ गए हैं अब सबसे पहले यूनिट ऑफ फोर्स पे बात कर ली जाए व्हाट इज वेक्टर सॉरी व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी वी ऑल नो दैट द क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज यूनिट इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी तो यहां पर जो फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है और वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर हम ऐसा सिंबल एरो लगा देते हैं यह दर्शाने के लिए कि इसके पास डायरेक्शन है दुनिया में जितने भी यूनिट्स हैं दुनिया में नहीं मतलब एक्चुअली ऑल फिजिकल फिजिकल क्वांटिटीज हैव द मैग्नीट्यूड हैव द मैग्नीट्यूड एंड द यूनिट ओके अगर उसके पास नहीं होता है तो वो होता है डायरेक्शन की कमी है तो डायरेक्शन जिसमें हो उसे वेक्टर और डायरेक्शन जिसमें ना हो उसे स्केलर तो वो हम मेजरमेंट में पढ़ चुके हैं पढ़ चुके हैं हमेशा पढ़ते हैं अब यहां पर नेट फोर्स की बात कर ली है अब यूनिट की बात कर ली जाए सबसे पहले आपको जानना होगा कि व्हाट इज एक्सेलेशन जैसे कुछ भी हमारी वेलोसिटी होती है वेलोसिटी क्या होता है वो भी आपको बताना पड़ेगा तो चलिए आइए देखते हैं सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं छोड़... थोड़ा सा एट ए डिस्प्लेसमेंट क्योंकि ये मोशन एंड टाइम की टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट। वॉट डू मीन बाई डिस्प्लेसमेंट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजिशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट अगर आप यहां से यहां जाना है आपको और रोडवे है ऐसे ओके दिस इज एक्चुअल रोडवे एंड हेयर इज स्कूल मंदिर कुछ भी हॉस्पिटल कुछ भी है ओके okay?

अब जैसे डिस्टेंस के लिए हम स्पीड का टॉपिक रहता है हमारे पास डिस्टेंस बाई टाइम उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम को हम कहते हैं और velocity को v से डिनोट किया जाता है velocity. और velocity दो तरह की होती है इनिशियल वेलॉसिटी और इनिशियल वेलोसिटी तो मतलब जब आपने स्टार्ट किया था इनिशियल मतलब स्टार्ट किया था तब कितनी वेलोसिटी थी और फाइनल वेलोसिटी मतलब जब आप खत्म करेंगे तो कितनी वेलोसिटी होगी तो फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट किया जाता है फाइनल वेलोसिटी वेलोसिटी एंड इनिशियल को u से डिनोट किया जाता है इसे आप मेंशन कर लीजिए नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं ओके अब हाड़ी वेलोसिटी चेंज हो रही है यहाँ क्योंकि फोर्स हमने लगाया तो हमारा एक्सेलेशन हो रहा है मतलब स्पीड बढ़ रही है या फिर घट रही है कुछ भी हो सकता है तो जो बढ़ना और घटना है मतलब इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी पे पहुंच रहे हैं हम स्टार्ट किए थे पाँच था धक्का दिए तो दस हो गया तो दस हुआ पहले था पाँच और उसका टाइम इंटरवल कितना है मतलब धक्का दिए उसका टाइम इंटरवल कितना है मानिए पाँच सेकेंड लगा आपको फाइव मीटर पर सेकेंड से टेन मीटर पर सेकेंड की स्पीड को अटेन करने में तो हम ऐसा करते हैं तो इसे इससे आ जाता है वन और इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हाउ आई विल मेक यू सी देखो ये था फाइनल वेलोसिटी दस जो अटेन किया हमने तो वी माइनस यू ये था इनिशियल यू और ये था टाइम टाइम को टी कहा जाता है और एक्सेलेशन को ए कहा जाता है ये है हमारा इक्वेशन जिससे हम एक्सेलेशन इक्वेट करते हैं ओके दैट्स इट एंड हेयर आगे बढ़ करके हमने देखा कि अगर हम इसे माइनस करें तो एट लास्ट हमारे पास जो यूनिट आएगा वो आएगा मीटर पर सेकेंड क्योंकि ये है तो स्पीड डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम और यहाँ भी हमारे पास सेकेंड है तो वो हमारा हो जाएगा मीटर बाई सेकेंड इन इस टाइम का सेकेंड और अपना सेकेंड तो क्या हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये यूनिट होता है एक्सेलेशन का तो चलिए हमने ये डिस्कस कर लिया अब जल्दी से यूनिट ऑफ फोर्स पे डिस्कशन करते हैं अगर कोई एक के जी का मास है एक के जी मतलब तो आप समझते होंगे मैं इतना समझता हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए वन के जी मास के ऑब्जेक्ट को अगर आपने कुछ फोर्स लगाया तो हम बताएंगे अभी कितना फोर्स लगाया एक के जी का मास है उस पर आपने ऐसा फोर्स लगाया कि ये मूव करने लगा कितने से मूव करने लगा यहां पे वेलोसिटी का कोई काम नहीं है एक्सेलरेशन का काम है मूव किया वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मतलब एक सेकेंड में एक सेकेंड में ये वन मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी अपना चेंज रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल एक्सेलेशन तो ये एक्सेलेशन है यहाँ और अगर ये मास हो तो जो फोर्स लग रहा है इस काम के लिए उसे हम कहते हैं वन एन एन मीन्स वन न्यूटन आइजैक न्यूटन का न्यूटन यहाँ है इसको डिनोट किया जाता है एन से इसका सीजीएस यूनिट होता है डाइन एंड दिस इज एस आई यूनिट एंड आपको बता दूं कि वन न्यूटन इज इक्वल टू टेन टू द पावर फाइव डाइन इसे आप नोट कर लीजिए फर्दर कैलकुलेशंस में आपकी हेल्प करेगा अब हम लोग सुपर फास्टली तो आगे बढ़ रहे हैं अब और आगे बढ़े कि आज यही रहने दें चलिए बस एक बात और डिस्कशन कर लेते हैं कि नेट फोर्स हमने डिस्कशन किया था इस कारण से तो होता यह है कि अगर आप मूव कर रहे हैं यू आर मूविंग सपोज ऑन अ बाई ओके यू आर मूविंग ऑन अ बाईसाइकिल ऑन अ रोड देन सपोज यू आर मूविंग विथ अ कॉन्स्टेंट स्पीड आपकी स्पीड है फाइव मीटर पर सेकेंड और आपकी यही स्पीड थ्रू आउट दिस जर्नी रहे तो हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स जो लगा था या फिर नेट फोर्स नेट एक्सटर्नल फोर्स जो था वो जीरो था क्योंकि अगर फोर्स लगता तो इफेक्ट नजर आता यहां कोई इफेक्ट ही नहीं है नहीं है क्योंकि स्पीड चेंज ही नहीं हुई ना ये स्टॉप हुआ न ये स्टार्ट हुआ कुछ भी नहीं हुआ ये कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रहा है पहला केस ये है अगर कुछ कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है देखिए मैंने इनिशियल की बात नहीं की है कि वो स्टार्ट कर रहा है मैंने सिर्फ कहा है बीच की जर्नी का टाइम ले लीजिए ठीक कभी ना कभी तो उसने स्टार्ट किया ही होगा वो बात हम छोड़ रहे हैं लेकिन जब वो चल रहा है तो कॉन्स्टेंट स्पीड से मतलब उस वक्त कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लग रहा है और एक मैटर आएगा अगर आपने चाय पानी नाश्ता खाने के लिए बीच में आप रोड पे यहाँ खड़े हैं साइकिल पार्क करके साइकिल के ऊपर ही आप रेस्ट में हैं टोटल रेस्ट नो मूवमेंट नो वेलोसिटी तब भी आपका नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वो जीरो होगा क्योंकि यहाँ ना स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है आप मूव नहीं कर रहे हैं रेस्ट कर रहे हैं रेस्ट करने में कौन सा फोर्स लगेगा भाई इस कारण से जीरो रहता है नेट एक्सटर्नल फोर्स और बाकी डिस्कशन हम फोर्स एंड प्रेशर पार्ट टू में करेंगे आज बेसिक नॉलेज देने में ही मोशन इन टाइम के बारे में आज हमारा वक्त चला गया अगले सेशन में हम फोर्स एंड प्रेशर पार्ट टू पर नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे वॉट इज प्रेशर So, आना मत भूलिएगा चलिए गाइस, बाय अगर कोई भी डाउट हो तो यूट्यूब कमेंट बॉक्स में बेझिझक आप लिख सकते हैं बाय